हेलो, गुड मॉर्निंग। हमें पिछले क्लास में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कशन कर दिए थे ऑलरेडी। तो फॉर्मेशन का जो चार स्टेज है, वो चार स्टेज से हम एक स्टेज के पूरी पूरी डिटेली हम उसको कवर अप कर दिए थे। आज उसका सेकेंड स्टेज के बारे में हम कवर करने वाले हैं। सो द प्रमोशन स्टेज के बाद हमारा एक दूसरा स्टेज आता है, वो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज को हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन वहां पे होता है। तो प्रमोशन जो है हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, वो फर्स्ट स्टेप में हमारा हम डिटेली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसमें से एक प्रमोटर अपॉइंटेड होता है और प्रमोटर अपॉइंट होने के बाद वो हम उस फील्ड पे जाके वेरियस एक्सपर्ट्स के हम सलाह लेते हैं कि कंपनी, हम जो बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, कितना रिस्क एसोसिएटेड है और कितना जो प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना होने वाला है, वो हम यहाँ पे एस्टिमेटेड करते हैं। रफ एस्टिमेटेड होता है कि कितना फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, कितना सेल्स होगा, कंपनी का कितना टर्नओवर होगा। वहाँ पे सब डिस्कशन करने के बाद, वो इन्वेस्ट करने के बाद हम एक डिसीजन ले पाते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस हम आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। सो इसके कारण हम प्रमोशन स्टेज आता है। प्रमोशन फर्स्ट स्टेज बोलते हैं और फर्स्ट स्टेज इन्वेस्टिगेशन स्टेज भी उसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज आता है, वो सेकेंड स्टेज है हमारा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन स्टेज का क्या मीनिंग है? सिंपली हमको रजिस्ट्रेशन स्टेज इसको बोलते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बोलते हैं। तो वहां पे कंपनी का एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट फुलफिल किया जाता है और एक ऑफिस, कंपनी का एक सेपरेट ऑफिस होती है, वो ऑफिस में उसका वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट की तरह अप्रूव किया जाता है। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज उसी तरह का ही है। प्रमोशन स्टेज के बाद एक सेकेंड स्टेज है, वो सेकेंड स्टेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन आती है। इनकॉर्पोरेशन क्या है? द सेकेंड स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। कंपनी फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेज है, यानी फर्स्ट स्टेज हमारा प्रमोशन स्टेज है, सेकेंड स्टेज हमारा इनकॉर्पोरेशन स्टेज है। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है ना, इनकॉर्पोरेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का मीनिंग क्या है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक ऑफिशियल ऑफिस है, यानी एक डॉक्यूमेंट हम जहां पे लेके उसको सबमिट करेंगे वो ऑफिस है। वो ऑफिस में रजिस्ट्रार होगा, आरओसी उसको बोलते हैं ना, वो ऑफिस है। द अप्रूवल ऑफ प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी From the registrar is required before registration. Before registration, यानी registration से पहले, यानी promotion के बाद registration से पहले, ROC office में हम detail investigation के बाद हमारे mind में रह जाएगा कि हम company करने वाले हैं, एक business को हम खड़ा करने वाले हैं। तो हम उसके बाद हमको क्या करना चाहिए ना, ROC के पास जाना चाहिए, यानी एक ऑफिस में जाना चाहिए जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होती है, वो ROC के पास जाना है। ROC के पास जाने के बाद ROC आपको क्या बोलेगा, रजिस्ट्रेशन के पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको बोलेगा कि आप कंपनी के लिए एक नाम चूज कर लो, यानी एक अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड नेम। आप एक ROC को नेम प्रपोज देने वाले हैं आपका कंपनी का नाम, वो प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी विथ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को आप कंपनी का नेम प्रपोजल देने वाले हैं कि आप कंपनी का नाम क्या रखेंगे। सो फॉर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड नेम, प्रपोज जो नेम आप दिए है वो नेम को वो वेरीफाई करेगा, कंपनी जो आरओसी है वो आरओसी है, वो नेम को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द प्रपोज्ड नेम, आप जो नेम प्रपोज किया है कंपनी के लिए वो उसको अप्रूव करेगा। ए सेट ऑफ थ्री नेम्स इन ऑर्डर टू प्रायोरिटीज आर सजेस्टेड इन द एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर IA अलोंग विद द फी ₹500। यानी आप आरओसी के पास जाएंगे, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक सबमिट करना पड़ेगा क्या ना, थ्री नेम।
थ्री नेम आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपके हिसाब से आपको क्या पसंद है वो तीन नेम आपको प्रायोरिटी के अंदर, यानी आपको पहला नाम किस पे रखा है और सेकेंड नेम आपको क्या रखा है, अगर फर्स्ट नेम रिजेक्ट हो जाता है तो आरओसी के द्वारा। तो इसके पहले इसके हिसाब से आपको तीन नेम चूज करने होंगे। तो चूज करने के बाद प्रपोज्ड नेम चूज करने के बाद थ्री नेम चूज करने के बाद आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म नंबर IA उसको फिलअप करना है अलोंग विथ फी 500 आरओसी के 500 एप्लीकेशन फीस के बाद आपको एक फॉर्म IA जो एप्लीकेशन फॉर्म IA उसको फॉर्म फिलअप करना है, तीन नाम चूज करना है उसके प्रायोरिटी के अंदर। सो इफ दोज नेम्स आर नॉट ऑब्जेक्शनेबल, अगर नेम कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, यानी नेम होता है तो ऑब्जेक्शनेबल होती है क्योंकि आप एक नेम चूज कर रहे हो और वो नेम ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड कंपनी का नेम होता है तो वहां पे उसको रिजेक्ट कर देते हैं आरओसी। सो अगर उस नेम में ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कुछ लोचा नहीं है वहां पे, तो प्रपोज्ड कंपनी में अडॉप्ट एनी नेम। सो इसके बाद अगर आप तीन नेम दिए और तीन नेम के बाद तीन नेम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो आप चाहेंगे तो कुछ वो तीन नेम से आप कुछ भी नेम को चूज कर सकते हैं अपनी कंपनी के नाम पे। सो प्रपोज्ड नेम कंपनी में अडॉप्ट एनी नेम, यानी कंपनी वो तीन नेम से वो कुछ भी जो नेम उसको सुइटेबल लगता है वो नेम को बाय अडॉप्ट कर सकता है। सो आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ अ प्रपोज्ड नेम, यानी कंपनी का जो नाम अप्रूवल होने के बाद कंपनी का नाम क्रिएट हो जाएगा, यानी नामकरण हो जाएगा कंपनी का, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, यानी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आती है, उसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो पहला जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या करना है ना, आपको नेम चूज करना है कंपनी का। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चा का नाम पहले नामकरण से होती है, तो कंपनी का जो नामकरण वहां पे नहीं होता है, सिर्फ हमारे माइंड में है कि हम प्रमोशन के बाद हम कंपनी खड़े करने वाले। सो कंपनी के बाद आपको नेम चूज करना चाहिए, तो नेम करने के लिए आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जाना है, यानी आरओसी के पास जाना है। आरओसी के पास जाने के बाद आपको तीन नेम चूज करना है, वो तीन नेम को प्रायोरिटी में रखना है और फॉर्म नंबर IA फिलअप करना है। फॉर्म नंबर IA के बाद आपको एप्लीकेशन फीस 500 सबमिट करना है। इसके बाद आरओसी उसका काम करेगा, आरओसी वो तीन नेम को वेरीफाई करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको तीन नेम से कोई भी नेम चूज करने को बोल देगा। अगर आप प्रायोरिटी में फर्स्ट नेम दिया है वो फर्स्ट नेम ऑलरेडी एक ऑब्जेक्शनेबल है, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी उससे नाम पे है, तो आपको वो रिजेक्ट कर देगा, आपको बोलेगा कि दो नेम है तो वो दो नेम से आप कुछ भी कोई भी नेम चूज कर लीजिए। सो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो एनी नेम वो चूज कर सकता है। और नेम चूज करने के बाद कंपनी का एक लीगल आइडेंटिटी हो जाती है, यानी एक नामकरण हो जाती है कंपनी के, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आगे आती है, यानी वो नेम अप्रूवल होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आती है। वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, वो कुछ स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। और हमारा जो पहला जो स्टेप है वो स्टेप क्या क्या है ना, एसर्टेनिंग फ्रॉम द रजिस्टर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोज्ड नेम। अभी मैं बोल दिया था पहले ही कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो नेम जो अप्रूवल होने के बाद आता है। तो ये पहला स्टेप है, नेम अप्रूव होने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आती है। सो द प्रमोटर ऑब्टेनिंग ए लेटर ऑफ अ लाइसेंस फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से एक लाइसेंस उसको लाना पड़ता है प्रमोटर को। किस चीज पे लाइसेंस लाना पड़ता है, अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होती है, अगर वो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चर एंटिटी है, अगर वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करेगा फ्यूचर में, सर्विस नहीं करेगा मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अगर वो कुछ प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन के अंदर उसको डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर उसको लाइसेंस लाना पड़ता है। अगर वो एक बिजनेस कमांडर इंडस्ट्री के अंदर वो आती है तो उसको एक स्पेशल लाइसेंस लाना पड़ता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। अगर वो बिजनेस
मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी अगर वो इंडस्ट्री होगी, बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड होगी, अगर उसका प्रोडक्शन सेक्टर होगा तो उसको डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर उसको लाइसेंस लाना पड़ता है। प्रमोटर डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से लाइसेंस लाना पड़ेगा, ये सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या है, द प्रमोटर हैज टू फिक्स द अंडररराइटर। प्रमोटर उसके बाद फिक्स करेगा अंडररराइटर, बैंकर, ऑडिटर और एनी मैनेजमेंट एक्टिविटी जो जहां पे रहते हैं, जो सिग्नेचरीज ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका स्टेप क्यों आया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है। सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या होती है ना, आपको पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन करना पड़ेगा। इनविटेशन करने से आपको फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस फुलफिल होगी। अगर वो न्यूली कंपनी है तो वो न्यू कंपनी के लिए सब्सक्रिप्शन की चांसेस बहुत कम होती है, क्योंकि न्यू कंपनी को कोई नहीं जानता है, तो कोई भी पैसा लगाने से पहले सोचेगा। सो इसके लिए जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो फाइनेंस रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने के लिए प्रमोटर क्या करेगा ना, फिक्स करेगा कुछ अंडररराइटर को, कुछ बैंकर को, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी तीसरी स्टेज पे, वो तीसरी स्टेज की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो कुछ फिक्स करेगा। ये हो चीज तीसरा स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये कुछ स्टेप है इनकॉर्पोरेशन आफ्टर प्रपोज, जो नेम प्रपोज जो अप्रूवल हो जाएगा नेम के लिए, उसके बाद वो दो स्टेप आएगा। वो दो स्टेप क्या है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर वो प्रोडक्शन सेक्टर है, इसके बाद उसको लाइसेंस लाना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस प्रोडक्शन सेक्टर है, तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज अंडर रेगुलेशन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर उसको लाइसेंस लाना पड़ेगा। सेकेंड, फ्यूचर में जो इनकॉर्पोरेशन के बाद जो सब्सक्रिप्शन स्टेज आती है, वो सब्सक्रिप्शन स्टेज में आपको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको अंडररराइटर, बैंकर को, कुछ एडिटर को और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप फिक्सअप करके रखना है। यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट है जो स्टेप है कंपनी के लिए। ओके, सो उसके बाद ये जो स्टेप है वो स्टेप्स को फुलफिल करने के बाद कंपनी को जो इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन का अभी स्टेप आएगा, यानी स्टेज आएगा। जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज है वो इनकॉर्पोरेशन का स्टेज आएगा। क्या क्या है वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आरओसी आपको डॉक्यूमेंट फुलफिल करने को बोलेगा, यानी आप आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ एंड फाइलिंग ए सेवरल डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करना पड़ता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट है हमारा MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका एक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA, MOA के बाद आपको AOA सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस का एक जो पॉइंट है जो स्टेटमेंट ली हुई प्रोस्पेक्टस। तो ओवरऑली मैं आपको तीन डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा, जो डॉक्यूमेंट है हमारा MOA एंड AOA एंड प्रोस्पेक्टस, यानी जो दो है MOA एंड AOA उसको हम मैंडेटरी सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी ROC को। ROC को जो ऑफिस है, रजिस्टर है, अब रजिस्टर को ये दो जो डॉक्यूमेंट है वो दो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, यानी MOA एंड AOA। MOA एंड AOA मैंडेटरी है कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो डॉक्यूमेंट दोनों डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस आपको सबमिट नहीं करना है, पर प्रोस्पेक्टस मेकिंग करना रिक्वायरमेंट की मैंडेटरी होती है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस आपको, अगर आप प्रोस्पेक्टस नहीं बनाओगे तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको हर डिटेल होती है, तो प्रोस्पेक्टस आप नहीं बनाओगे तो आप इनविटेशन नहीं दे पाओगे पब्लिक को, अगर इनविटेशन नहीं दोगे पब्लिक को तो सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, यानी थर्ड स्टेज फुलफिल नहीं होगी आपकी। तो प्रोस्पेक्टस भी रिक्वायरमेंट है, पर आरओसी के लिए प्रोस्पेक्टस कुछ मैंडेटरी नहीं है, दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है MOA एंड AOA। ओके, तो हम पहला जो डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या है ना MOA। MOA का मतलब क्या है ना, MOA एक
जो पहला डॉक्यूमेंट है यानी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो पहला डॉक्यूमेंट है यानी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, फंडामेंटल चार्टर है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए फंडामेंटल चार्टर विथ डिफाइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी का जो एम्स है वो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा होता है पूरी डिटेल की तरह। ओके, तो इट कंटेन्स फंडामेंटल रूल्स एंड रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल रूल है, हमारा जो संविधान में जो फंडामेंटल रूल है वो फंडामेंटल रूल वहां पे कंटेन किया गया है, और उसके बाद जो कंपनी का जो एक्टिविटीज है वो कंपनी का वो क्या क्या एक्टिविटीज करेगा और क्या क्या उसका जो क्लॉजेस है वो क्लॉजेस यहाँ पे लिखा गया है। तो सिंपली मैंने उसको एक सबमिट दिया है, ए मोस्ट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट ऑन विच सुपर स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज बिल्ट। सिंपली यहाँ पे जो एमओ है, जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है यानी जो सिग्निफिकेंट ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कंपनी का पूरी स्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी एमओए में जो डॉक्यूमेंट में जो सबमिट किया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो ऑब्जेक्टिव जो एम्स है वहां पे जो सबमिट किया गया है वो पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर है, यानी पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर होते ही। सो इट इज रिगार्डिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट विथ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज बिल्ट। ओके, सो इट ले डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वन कंपनी। ये कॉन्स्टिट्यूशन करती है यानी बनाती है एक कंपनी को खड़ा करने के लिए मदद करती है वो डॉक्यूमेंट। ओके, और स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड, और कंपनी को रिलेशनशिप भी बनाता है आउटसाइड वर्ल्ड के से। आउटसाइड वर्ल्ड क्या है, यानी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा जो कस्टमर है वो आउटसाइड वर्ल्ड होती है। एमओए क्या करती है ना, कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप बनाती है। सो पहला तो है हमारा कि कंपनी को बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है, और सेकंड स्टेज जो है आउटसाइड वर्ल्ड के जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हेल्प करती है। इट इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है यानी ये जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कोई भी इस डॉक्यूमेंट को देख सकता है। तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ईच पर्सन डीलिंग विद कंपनी बीवेयर ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो भी कंपनी, जो भी जो पर्सन है, आउटसाइड पर्सन हो या इनसाइड में पर्सन हो, जो भी पर्सन है अगर वो कंपनी के साथ डील करना चाहते है, कंपनी के साथ रिलेटेड होके रहना चाहता है, सो उसको ये डॉक्यूमेंट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट को आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का फंडामेंटल चार्टर क्या है। ओके, सो एनी एक्ट बियॉन्ड दिस स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वॉइड, यानी जो डॉक्यूमेंट में जहां लिखा गया है उसके बियॉन्ड कुछ एक्टिविटीज होगा तो वो कंपनी एक्ट के अंदर वॉइड घोषित किया जाएगा, यानी वो वॉइड है यानी इलीगल है। ओके, तो इट इज प्रिपेयर्ड विद फॉलोइंग बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी यहाँ पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है एमओए बनाने के लिए, जो एमओए की कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, तो पहला तो ये है कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और जो भी कंपनी से जुड़ेगा वो इस डॉक्यूमेंट को जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक सुपर स्ट्रक्चर है, तो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आपको जानना जरूरी है कि कंपनी का एक्टिविटी क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिविटी क्या है। सो उसके जानने के बाद आपको रिलेशनशिप रखना है कंपनी के, तो एमओए आपको रिलेशनशिप रखने के लिए मदद करेगा आउटसाइड वर्ल्ड की और अपनी अपनी इनसाइड वर्ल्ड से। ओके ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एमओए बनाने के लिए। सो पहला तो ऑब्जेक्टिव्स है, इट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी जो कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक बेसिस है, यानी एक फंडामेंटल है। ओके, ये डॉक्यूमेंट जो है फंडामेंटल है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज नॉट पॉसिबल, इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाती है कंपनी का, मैंने पहले से बोला था ये कंपनी का स्ट्रक्चर बनाती, तो स्ट्रक्चर बनाने से एमओए का जो डॉक्यूमेंट है वो एसेंशियल है। सो इस डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के कारण वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अगर आपको आप एमओए सबमिट नहीं करोगे, सो इट विदाउट इट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है,
इट डिटरमाइंस द लिमिट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का जो ऑपरेशन एक्टिविटीज है वो लिमिट कर देगा। अगर वो कुछ एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन करना चाहता है कि आप, अगर वो डॉक्यूमेंट है यानी वो डॉक्यूमेंट के अंदर वो ऑब्जेक्टिव पहले से ही लिखा गया होता है, अगर वो ऑपरेशन करना है तो अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ऑपरेशन करना चाहिए, तो आपका जो ऑपरेशन है वो लिमिट हो जाएगा। ओके, एनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायरस और वॉइड, यानी अगर वो एमओए के जो अंदर जो एक्टिविटीज के बिना आप अदर एक्टिविटीज करोगे यानी अदर स्कोप ऑफ जो एक्टिविटी करोगे सो यहाँ पे उसको वॉइड घोषित किया जाएगा। ओके, सो मैंने उसको पहले से भी बोल दिया था। ओके, तो सेकेंड जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिविटी है, इट स्टेट द इन्वेस्टर्स फॉर द प्रपोज विच द मनी इज इन्वेस्टेड, इन्वेस्टर का जो मनी है जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी का, उसको जो मनी जो उसका जो फाइनेंस है वो फाइनेंस कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो एमओए के अंदर उसका जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल रूल के अंदर यहाँ पे लिखा गया होता है। सो कंपनी का इन्वेस्टर को एक पता चल जाएगा कि जो कंपनी का जो मेरा जो पैसा है, मेरा जो फाइनेंस है, मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसका जो मनी कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, विच देयर मनी इज इन्वेस्टेड, यानी उसका मनी कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, अगर मेरा जो मनी है वो सही काम से यूज हो रहा है कि नहीं। कंपनी का जो मैंने एक इन्वेस्टर को पता चलेगा कि जो मैंने जो इन्वेस्ट किया है मनी, वो मनी जो प्रपोज में मैंने कंपनी को दिया है अगर वही प्रपोज में हो रहा है तो ठीक है, तो कंपनी का ये डिसाइड करेगा एमओए, एमओए का जो स्ट्रक्चर है वहां पे इन्वेस्टर का जो मनी है वो मनी ठीक वे में यूज हो रहा है कि नहीं, वहां पे उसको पता चलेगा। तो एमओए का यहाँ पे कुछ एसेंशियल है। सो इट एक्सटेंड द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, एक्सटेंड द लाइबिलिटी क्या है कि एमओए में जो एक क्लॉजेस है वो क्लॉजेस के अंदर लाइबिलिटी पता चलेगा कंपनी का, जो कंपनी का लाइबिलिटी यहाँ पे तो हम देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक में हमें को पता चल जाता है कि कंपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी है, पर एमओए में उसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि आपका लाइबिलिटी कैसा होगा। सो कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर्स को वो एमओए में पता चलेगा कि कंपनी का एक्चुअली लाइबिलिटी हमको कितना पड़ेगा, वो एमओए में पूरी तरह से डिटेली लिखा गया है। इट डिफाइन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, सो सिंपली ये डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स कंपनी का। अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूं वो है क्लॉजेस ऑफ एमओए, यानी जो एमओए टॉपिक है, जो रजिस्ट्रेशन टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेंट ऑफ और क्लॉजेस ऑफ एमओए क्वेश्चन भी रिपीटेडली आती है। सो जो एमओए है क्या है, मेन क्लॉजेस क्या क्या है, बहुत सारे क्लॉजेस एमओए के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है, तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो हाईलाइट पॉइंट को आपको डिस्कशन करूंगा मैं। सो मेन क्लॉजेस क्या क्या है यानी कंटेंट क्या क्या है एमओए के अंदर, पहला जो है नेम क्लॉज, यानी नेम क्लॉज के अंदर आपको क्या जो कंटेंट होती है वो कंटेंट के अंदर जो नेम क्लॉज होती है वो नेम क्लॉज के अंदर क्या आती है, तो पहला जो क्लॉजेस है वो नेम क्लॉज है। सो नेम क्लॉज के अंदर क्या है, इट क्लॉजेस स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, पहले से ही हमको पता चल गया था कि ये रजिस्ट्रेशन से पहले आपका नेम जो है, जो नेम है वो पहले से ही फॉर्म नंबर आईए पे आपको डिस्कशन कर दिया गया और वहां पे आपको ऑलरेडी आरओसी उसको अप्रूवल दिया था, तो नेम क्लॉज में वो नेम को ऑलरेडी अप्रूवल कर दिया है। सो जो अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है सो उसको नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा, अगर वो लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी है उसको लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, अगर तो सो द वर्ड लिमिटेड इज यूज आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी, अगर वो पब्लिक कंपनी होगा तो लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, अगर और एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पे नेम नहीं होना चाहिए, अगर
यानी इसका मतलब आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए कंपनी का नाम. सो द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल, यानी मैंने पहले से उसको बोल दिया था कि ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगा अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्ब्लेम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950. इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंदर जो नेम को रिस्ट्रिक्शन किया गया है वो नेम को आप यूज नहीं कर सकते कंपनीज के लिए. ओके, वो क्या क्या है? ए कंपनी शुड नॉट एडॉप्ट द नेम ऑफ रॉयल, यानी रॉयल नाम आपको यूज नहीं करना है, आप रॉयल नाम को यूज नहीं कर सकते. किंग, इंपीरियल, इंपोरियर एंड द नेम शुड नॉट हैव कनेक्शन विद द गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. यानी ये तो सब नाम है जैसे कि रॉयल, किंग, एम्पेरियल, एम्पोरियर. जैसे जी आपका जो किंग की जमाने में जो नेम है वो नेम आपको यूज नहीं करना है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो जाएगा कंपनीज के आर्ट के अंदर. यानी प्रिवेंशन ऑफ इन प्रॉपर यूज आर्ट के अंदर उसको रिस्ट्रिक्शन किया गया है कंपनीज के लिए, कंपनी के नाम पे आपको ये यूज नहीं करना है. और नॉट हैव कनेक्शन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट का नाम है तो गवर्नमेंट का नाम आप यूज नहीं कर सकते. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर नाम है वो आप वही नाम यूज नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट से कनेक्ट भी जो नाम है वो नाम भी आप कंपनीज के लिए यूज नहीं कर सकते. तो सिंपली आपको अपने हिसाब से नाम देना चाहिए. सो ये नेम क्लॉज के अंदर आती है. और प्रिवेंशन इम्प्रॉपर यूज एक्ट के बहुत सारे नेम है, मैंने सिंपली ये कुछ नेम है वो यहाँ पे डिस्कशन किया है. पर प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट पे ऑलरेडी जितने सारे नाम है वो नेम को आप यूज नहीं करना है, वो रजिस्ट्रेशन के अंदर है. ओके, सो उसके बाद नेम क्लॉज के बाद एक दूसरा कंटेंट है, वो कंटेंट है ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? यहाँ पे कंपनी का सिंपली ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया गया है, अगर कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्ट करेगा, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज करेगा, उसका एक्टिविटीज क्या है वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया. ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड से. सो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रे आप हमारा जो बिजनेस है वो इस क्लॉज के अंदर आएगा. सो ये इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है. सो दिस क्लॉजेस रिगार्डेड ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस ऑफ एमओए, वो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है एमओए. सो इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव विद द कंपनी एस्टैब्लिश, कंपनी एस्टैब्लिश होती है वो एस्टैब्लिश के अंदर आपको ऑब्जेक्ट भी चूज करना चाहिए. अगर वो ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ बियॉन्ड स्कोप ऑफ होगा तो उसका अल्ट्रा वायरस किया जाएगा, यानी वो वॉइड अवेल भी हो सकती है और वॉइड भी हो सकती है स्ट्रिक्टली. सो एनी एक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव क्लॉज इज अल्ट्रा वायरस और मे बी वॉइड. ऑब्जेक्टिव क्लॉज जनरली शुड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव अलोंग विद द सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, उसके बाद जो एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव है वो एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव यानी सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है. ओके, सो सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज के बारे में इतना डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि सिचुएशन क्लॉज का मतलब सिचुएशन, सिचुएशन यानी मीनिंग कंपनी का जो परमानेंट एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, वहां पे डिस्कशन किया गया है. ओके, नेक्स्ट हमारा है कैपिटल क्लॉज. सिंपली कैपिटल क्लॉज के अंदर आपको कैपिटल डिसाइड करना होगा कि आपका ऑथोराइजेशन कैपिटल क्या क्या है. दिस क्लॉज स्टेट द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कंपनी का कैपिटल उस वहां पे डिसाइड करना होगा, यानी ऑथोराइजेशन कैपिटल क्या है. ऑथोराइजेशन कैपिटल का मतलब जो सुप्रीम कैपिटल होती है, उसके बाद तो कंपनी इशू नहीं कर सकता पब्लिक के लिए, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा. द स्टेट वेरियस डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू डिफरेंट शेयर, आपका शेयर जो है, जो शेयर कैपिटल है वो कितने टाइप्स के है और शेयर है जो शेयर कितने टाइप्स के है. इट गिव्स ए डिटेल आइडिया ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल आइडिया देगा कैपिटल क्लॉजेस, एंड शेयर का जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू वहां पे दिखाएगा. नेक्स्ट जो हमारा है लाइबिलिटी क्लॉजेस, लाइबिलिटी क्लॉजेस क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है कंपनीज एक्ट के अंदर. कंपनीज एक्ट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है. क्यों इंपॉर्टेंट क्लॉज है? क्योंकि जो लाइबिलिटी क्लॉजेस है वहां पे कंपनी का लाइबिलिटी, जो ईच शेयर होल्डर के लिए जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी यहाँ पे डिसाइड होगा. वो लाइबिलिटी क्या है, मैंने ऑलरेडी
टाइप्स ऑफ कंपनी में डिस्कशन कर दिया था कि लायबिलिटी क्या होगा। लायबिलिटी होगा अकॉर्डिंग टू थ्री स्टेज पे, यानी लायबिलिटी एक्सटेंड टू द फेस वैल्यूज ऑफ ईच शेयर, लायबिलिटी शुड बी अमाउंटेड टू गारंटी और अनलिमिटेड। यानी हमारा तो इंडिया में अनलिमिटेड नहीं है, तो दो तरह कैसी होगी, यानी फेस वैल्यू और गारंटेड अमाउंट, वहां पे यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। तो लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गारंटी। यानी शेयर के बाद अगर शेयर होल्डर कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट गारंटी के अंदर होती है, तो वो अमाउंट लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी टू द गारंटेड अमाउंट तक वो उसका लायबल होगा। सो ओवरऑली देखेंगे तो लायबिलिटी क्लॉजेस हर शेयर होल्डर्स के लिए लिमिटेड ही है। ओके, नेक्स्ट हमारा है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज क्या है ना, एसोसिएशन हमारा जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के अंदर आती है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बोर्ड ऑफ मेंबर क्या होगा, डायरेक्टर्स कैसे होंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे ये डिस्कशन कर दिया है। दिस क्लॉज स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ सिग्नेचरी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितने सारे मेंबर्स है वो मेंबर्स का नेम एंड एड्रेस वहां पे मेंशन होगा। Each subscriber required to take at least share in the company. जो member होंगे वो member at least one share उसको hold करना पड़ेगा। और the company memorandum signed by at least two person. The company, the memorandum of association to be signed by at least two person in case of private company, seven in case of public company. यानी private company के लिए दो लोग mandatory है signature के लिए, और public company seven members सिग्नेचर के लिए मैंडेटरी है। ओके, और जितने सारे मेंबर होंगे उस सभी मेंबर्स को नेम और एड्रेस वहां पे मेंशन होगी, और सभी मेंबर एटलीस्ट वन शेयर उसको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, ये है सिंपली हमारा एमओए, यानी पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट हम कल डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है एमओए, हम जो एमओए की पूरी तरह से उसको डिस्कशन कर दिए हैं। डिस्कशन के अंदर मैंने कंटेंट की चूज किया है, कंटेंट के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किए है ना। ओके, और उसका जो अल्टरेशन है, अल्टरेशन मैंने स्पेसिफाइड एक क्लास में उसको आपको डिस्कशन करूंगा, यानी अल्टरेशन ऑफ एमओए क्या है, अल्टरेशन ऑफ एओए क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एओए के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम एमओए के बारे में हम डिस्कशन किए थे। आज उसका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है यानी एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो थी वो इनकॉर्पोरेशन की पार्ट थी, यानी जो सेकेंड स्टेज थी वो सेकेंड स्टेज का पार्ट है, यानी इनकॉर्पोरेशन स्टेज का पार्ट था। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में मैंने पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो इनकॉर्पोरेशन थी, इनकॉर्पोरेशन में आपको आरओसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट फुलफिल करना पड़ता है, यानी आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती। क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जनरली थ्री डॉक्यूमेंट है। मैं थ्री डॉक्यूमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट थी ना, एमओए एंड एओए एंड प्रोस्पेक्टस। एमओए के बारे में हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिए थे पूरी डिटेल में। आज हम उसका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो एओए क्या है, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको हम एओए बोलते हैं, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल एसोसिएशन भी एक तरह का की डॉक्यूमेंट है जो आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। आरओसी क्या है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है ना, द सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये कंपनी के लिए, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे क्या है, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, इस डॉक्यूमेंट में जनरली इंटरनल मैनेजमेंट एक्टिविटी की कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखा गया है। यहाँ पे इसका मतलब जो कंपनी में जो मैनेजमेंट होगी, जो इंटरनल पार्ट होगी, वो इंटरनल पार्ट की रूल एंड रेगुलेशन क्या होगी उसका पूरा डिटेल से उसमें लिखा गया है।
इसका मतलब ये है कि इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल एंड रेगुलेशन वहां पे पूरी विस्तार में लिखा गया है। ओके, इट इज द सब्सिडरी ऑफ, माने सबऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी एमओए का ये सब्सिडरी है। ओके, एमओए फंडामेंटल कैरेक्टर है, फंडामेंटल चार्टर है, और एओए उसका सब्सिडरी चार्टर है। ओके, जो डिस्टिंग्यूश में हम ये देखेंगे कि जो एओए है वो एओए एक एमओए की पार्टी है। इसका मतलब हम एमओए के, अगर एमओए को हम मैक्रो की तरह डिस्कशन करेंगे तो आर्टिकल माइक्रो की तरह है। सो ये एक सब्सिडरी है और सबऑर्डिनेट है एमओए की। ओके, एंड सच इट नो सुपर स्प्रेड पावर ऑफ कंपनी, कंपनी का सुपर स्प्रेड पावर कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सिंपल इंटरनल मैनेजमेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। ए सबऑर्डिनेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेनिंग वेरियस रूल एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। तो सिंपली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए वेरियस रूल एंड रेगुलेशन वहां पे डिस्कशन किया गया है, यानी सबमिट किया गया है वहां पे। ओके, और क्या क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट डिफाइंस राइट्स पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की पावर क्या है, राइट्स क्या है और ड्यूटी क्या है वहां पे डिस्कशन किया गया है। ओके, एंड द मैनर इन विच चेंज द इंटरनल रेगुलेशन मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इंटरनल रेगुलेशन जो है वो चेंज होता है टाइम टू टाइम, और डिमांड को देखे और उसका जो सिचुएशन को देखे वहां का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ओके, इट शोज द रिलेशन ऑफ कंपनी एंड इट मेंबर्स और बिटवीन मेंबर्स। वहां पे जो एमओए के बारे में हम डिस्कशन किए थे, डिस्कशन में हमको एमओए में क्या है ना, एमओए रिलेशनशिप बनाता है क्या पे, कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड से। पर एओए क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का जो, माने एओए के अंदर और क्या क्या चीज है ना, इट डिफाइंस राइट्स पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो राइट्स से, पावर से, ड्यूटी से, वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ओके, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड बिटवीन मेंबर्स। जैसे कि हम बोल, मैंने पिछले क्लास में बोला था, एमओ के जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यहाँ जो डॉक्यूमेंट है ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ का जो डॉक्यूमेंट है ये सिंपली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। बट एमओए जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए है, क्योंकि वहां का जो रिलेशनशिप है कंपनी एंड आउटसाइड वर्ल्ड। बट यहाँ पे जो है कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, यानी कंपनी का जो मेंबर है उसके साथ कंपनी का क्या रिलेशनशिप है और मेंबर मेंबर्स में क्या रिलेशनशिप है, वहां यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो एओए का मतलब सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए और प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ओके, ए पब्लिक कंपनी में रजिस्टर्ड ऑन एओए और मे अडॉप्ट। तो सिंपली मैंने ये बोल दिया, कंपनी का जो पब्लिक कंपनी है वो खुद का रजिस्ट्रेशन से अपना जो जो रूल एंड रेगुलेशन है वो खुद बना सकता है एओ के अंदर, और अगर उसको कुछ लग रहा है कि मेरा इतना इफेक्टिव नहीं होगा, सो वो क्या करेगा ना, एडप्ट करेगा टेबल ए कंटेनिंग द मॉडल सेट ऑफ 99 आर्टिकल्स। अगर वो एडप्ट कर सकता है तो कंपनी आर्ट के टेबल नंबर ए के अंदर 99 आर्टिकल्स है, उसको वो एडप्ट कर सकता है, वहां पे पूरी रूल एंड रेगुलेशन लिखा गया है एओ के अंदर, यानी इंटरनल मैनेजमेंट की पूरी रूल एंड रेगुलेशन वहां पे लिखा गया है। तो टेबल ए कंटेनिंग ए मॉडल सेट ऑफ 99 आर्टिकल्स गिवन इन शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 के अंदर टेबल नंबर ए में 99 आर्टिकल्स लिखा गया है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 99 आर्टिकल्स लिखा गया है। वो 99 आर्टिकल्स को वहां पे एओए के डॉक्यूमेंट में वो सबमिट कर सकता है। ओके, अदर कंपनीज प्रिपेयर एंड फाइल ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अदर कंपनी खुद उसका प्रिपेयर कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी यानी आरओसी के अंदर उसको सबमिट करना पड़ेगा। बट अदर कंपनी, पब्लिक कंपनी को छोड़ के अदर कंपनी जो है वो खुद अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हैं। ओके, और द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी प्रिंटेड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंटेड होगा, यानी हार्ड कॉपी होगी, कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन को जो जो सबमिट करेंगे वो हार्ड कॉपी होगी जो प्रिंटेड होगी, नंबर्ड होगा और साइन होगा ऑफ सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जैसे हर सिग्नेचर
चरी की जो एक सिग्नेचर होती है और एटलीस्ट वन सर्व जो होल्ड करते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। और एट वन अटेस्टिंग विटनेस, यहाँ पे एक विटनेस को भी वहां पे सबमिट करना पड़ेगा, यानी एक नॉमिनी को सबमिट करना पड़ेगा। ओके, और ये सिंपली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कुछ इंफॉर्मेशन थी, यानी ये वो सेकेंड डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पे आपको कुछ पता चल जाएगा कि एमओए के और एओ में क्या क्या डिफरेंस होते, जितना सिंपल सिंपल डिफरेंस होता है। ओके, और कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स क्या है, हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या क्या है जो कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स। कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स क्या है, सिंपली वहां पे जो मैंने बोला कि अगर कंपनी चाहेगा तो अपने हिसाब से वो अपना खुद इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है। अगर उसका कोई कंफ्यूजन है कि मेरा कुल रूल एंड रेगुलेशन छूट जाएगा, तो वो क्या करेगा ना, कंपनीज एक्ट के टेबल नंबर ए के अंदर, जो शेड्यूल वन है, शेड्यूल वन में टेबल नंबर ए के अंदर 99 आर्टिकल्स लिखा गया है, वो 99 आर्टिकल्स को वो रूल एंड रेगुलेशन की तरह यूज कर सकता है। तो क्या क्या है कंटेंट है, हम तो 99 आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ कंटेंट और आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में है। सो मेजर कंटेंट और आर्टिकल्स ऑफ एओए, तो क्या क्या है, सिंपल रूल एंड रेगुलेशन है कंपनी का, जो ये सिंपली अभी मैंने बोल दे रहा हूं, ये सिंपली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। सो इंटरनल मैनेजमेंट से आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ कंपैरिजन नहीं है। सो ये सिंपली इंटरनल को मैनेजमेंट को दृष्टि में रखे हुए इसको बना गया है, वो ये आर्टिकल्स बना गया है। सो कंटेंट आर्टिकल्स क्या क्या है, द फॉलोइंग आर सम मेजर कंटेंट और आर्टिकल्स ऑफ एओए। सो क्या है, द पहला पॉइंट है इट कंटेन्स अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ ईच शेयर, यानी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा और कंपनी का जो शेयर यानी पेयर शेयर कितनी होगी, यानी वो शेयर कितना में डिवाइड करेगा, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं शेयर का उसको हम पेयर शेयर बोलते हैं, पेयर शेयर कितना होगा और वैल्यू ऑफ ईच शेयर यानी उसका फेस वैल्यू कितना होगा। ओके, सेकेंड जो है डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर, यानी अभी तो इंडिया में सिर्फ दो तरह के शेयर है, यानी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर है, तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर में उसको डिवाइड करेगा और शेयर होल्डर्स की राइट वहां पे डिफाइन करेगा, वो शेयर होल्डर क्या क्या राइट है इन अकॉर्डिंग टू शेयर परचेज और सेल में एक्सचेंज में उसका क्या राइट्स है वहां पे वो ऑलरेडी लिखा गया है। और ओके, तो थर्ड जो पॉइंट है हमारा प्रोसीजर ऑन इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वो कैसे उसको इशू करेगा और अलॉटमेंट करेगा, प्रोसीजर ऑन मेकिंग कॉल ऑन शेयर्स, ये शेयर कैपिटल के अंदर आती है, हम प्लस टू में ऑलरेडी उसके बारे में पढ़े हैं। जो इशू एंड अलॉटमेंट क्या है, इशू हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं और उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं, उसके बाद कॉल मनी रिसीव करते हैं, तो प्रोसीजर क्या क्या है कॉल मनी रिसीव करने के लिए, जो आप उसको फाइनल कॉल में उसको आप सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइबर को मांगेंगे और टू और थ्री कॉल मनी में उसको मांगेंगे, उस कंपनी के हाथ में डिपेंड है वो कैसे उसको मेकिंग कॉल करेगा। ओके, यानी कॉल मेकिंग करेगा उस शेयर के लिए। ओके, तो प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफर के जो शेयर होते हैं उसके क्या प्रोसीजर है और ट्रांसमिशन के लिए उसके पास क्या प्रोसीजर होती है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है हमारा प्रोसीजर ऑफ प्रॉफिटेड और रीइश्यू ऑफ शेयर्स। प्रॉफिटेड का मतलब क्या है, हम ऑलरेडी हम उसके बारे में जान चुके हैं, तो मैं उसके बारे में फिर से बता दे रहा हूँ। प्रॉफिटेड का मीनिंग क्या है ना, सिंपली प्रॉफिटेड का मीनिंग, अगर एक शेयर होल्डर ने कोई भी किसी भी स्टेज पे उस पेमेंट को देने के लिए असक्षम हो, यानी अलॉटमेंट मनी में उस पेमेंट नहीं किया है और कॉल मनी में उसके पेमेंट नहीं किया है, तो कंपनी का राइट से कि वो शेयर उसको ना दिया जाए और उसका शेयर वापस ले। ओके, जो शेयर जो ऑन अमाउंटेड है, जो एरियर अमाउंट है, उसको एरियर अमाउंटेड को हम प्रॉफिटेड बोलते हैं। तो प्रॉफिटेड का मतलब अगर वो शेयर के लिए जो पैसा चाहिए था वो शेयर होल्डर ने नहीं दिया, सो उसको हम प्रॉफिटेड बोलते हैं। और द प्रोसीजर क्या होता है प्रॉफिटेड के लिए, और रीइश्यू ऑफ शेयर क्या मतलब, अगर एक शेयर होल्डर ने प्रॉफिटेड कर दिया तो उसका शेयर हम वापस लाएंगे और एक फ्रेश इशू कर देंगे उसको, तो रीइश्यू उसको बोलते हैं हम। ओके,
और वेरियस प्रोविजन ऑफ कन्वर्सन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, यानी वहां पे कितना प्रोविजन होता है कन्वर्सन के लिए शेयर टू स्टॉक। शेयर टू स्टॉक का मतलब क्या है ना, सिंपली शेयर का मीनिंग है जो ईच फेस वैल्यू, जो ईच जो शेयर का जो स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट को हम बोलते हैं पूरे कैपिटल का, वो शेयर है। और स्टॉक क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि शेयर का मतलब क्या है ना, अगर हमारे पास बहुत सारे शेयर हो जाता है तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शेयर को स्टॉक में किसे कन्वर्ट करते हैं ना, शेयर का कन्वर्शन करने के लिए जो शेयर है, जो फेस वैल्यू एक ही, जो हमारा एक मैं शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास एक शेयर मुझे खरीदना है, एक शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है, अगर मैं एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया और फाइनल कॉल मनी भी दे दिया, उसके बाद वो पूरी तरह से पेमेंट हो जाएगी और कन्वर्सन हो जाएगी शेयर इंटू स्टॉक। और सो उसके जो बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, जैसे कि शेयर हमारे पास बहुत सारे शेयर होगा तो हमारा उसको हम स्टॉक बोलते हैं और एक शेयर को हम स्टॉक नहीं बोलते, तो ऐसा कुछ नहीं है, शेयर ही स्टॉक ही सेम है। सो सिंपली हमारे माइंड में ये रखेंगे तो शेयर स्टॉक इक्वली है। ओके, तो सिंपली हम डिस्कशन करेंगे तो कन्वर्सन शेयर इनटू स्टॉक क्या है ना, अगर शेयर का हमें फुल्ली पेमेंट कर देता हूँ, या मीन एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, अगर मैं सही तरीके से पेमेंट कर देता हूँ तो उसका मेरा जो शेयर है वो मेरा स्टॉक बन जाएगा। ओके, स्टॉक मतलब वो प्रॉपर्टी की तरह मेरे पास रह जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन अल्टरेशन एंड रिड्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन माने या मीन अल्टरेशन का मीनिंग है चेंजिंग, और रिड्यूशन का मीनिंग हम उसको कमाएंगे जो शेयर कैपिटल को, अगर वो मेरा जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है मैं फिक्स किया है और अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल को मुझे कमाना है तो रिड्यूशन करने के लिए कुछ प्रोसीजर यहाँ पे लिखा गया है कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स में, अगर नहीं होगा तो हम इसको कन्वर्ट या मीन्स उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो सिंपली अल्टरेशन क्या है, अल्टरेशन के लिए एक स्पेशल क्लास है, अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड अल्टरेशन ऑफ एओए, उसको हम आगे डिस्कशन करने वाले। तो अल्टरेशन का मीनिंग सिंपली चेंज है। ओके, तो प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन अल्टरेशन एंड रिड्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑन इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंटी। ये भी एक शेयर सर्टिफिकेट की तरह है, अगर मैंने फुली पेमेंट कर दिया है तो कंपनी मुझे एक सर्टिफिकेट पेमेंट करे, मैंने सर्टिफिकेट मुझे इशू करेगा मेरे शेयर के अंदर, मैंने जितना शेयर परचेज किया है तो उस शेयर के अंदर मुझे सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट शेयर वारंटी मैंने कंपनी मुझे इशू करेगा। ओके, तो कंपनी के लिए वो प्रोसीजर क्या है इशू करने के लिए, जो सर्टिफिकेट है और जो वारंट है, जो शेयर वारंट है वो इशू करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी लिखा गया है। ओके, तो रूल इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट्स। ओके, तो ये भी सिंपल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वहां पे जो वेरियस रूल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर लिखा गया है इन अकॉर्डिंग टू कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन लिखा गया है वहां पे, क्या है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए और कंपनी सेक्रेटरी के लिए और अकाउंटेंट्स के लिए और दूसरे जितने सारे भी जो एम्प्लॉयज है उसके लिए, जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जितने सारे एम्प्लॉयज है उनके जो प्रोसेस होती है वहां पे क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है। ओके, तो सिंपली और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अलोंग विद रेमुनरेशन, सिंपली कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे और डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिसाइड किया गया है। ओके, एंड प्रोसीजर ऑफ होल्डिंग मीटिंग, प्रोसीजर ऑफ होल्डिंग मीटिंग ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स, मीटिंग कैसे होगी और डायरेक्टर्स की मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कैसे होगी वो यहाँ पे फुल प्रोसीजर लिखा गया है। ओके, प्रोसीजर ऑफ वोटिंग राइट, प्रॉक्सी एंड पोल। वोटिंग राइट हम सभी के बारे में हम सभी जानते हैं, यहाँ पे सिंपली ये इलेक्शन की तरह है कंपनी का। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर होता है। ओके, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ बोरोइंग पावर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की पर्सनल बोरोइंग पावर यहाँ पे लिखा गया है वो क्या क्या प्रोसीजर होता है, डिटर्मिनेशन किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंट, डिविडेंट जो कंपनी का डिविडेंट है, डिविडेंट या मीन्स कंपनी का जो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर्स के, शेयर होल्डर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उस जो डिस्ट्रीब्यूटर को हम बोलते हैं
पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड क्या है, जो डिविडेंड कंपनी का प्रॉफिट है, ओके, एंड क्रिएशन ऑफ वेरियस रिजर्व, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हम अगर बैलेंस शीट में रखेंगे तो उसका हम बोलते हैं रिजर्व। सो प्रोसीजर क्या क्या है डिविडेंड पेमेंट के लिए, और प्रोसीजर क्या क्या है रिजर्व क्रिएशन में, ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, रूल इन्वॉल्व इन पासिंग रेजोल्यूशन एंड मीटिंग, यहाँ पे भी सेम सीन है, जो क्या क्या रूल रेगुलेशन है अगर मैंने कुछ मीटिंग किया और मैंने कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो, ओके। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट, ओके। प्रोसीजर क्या है अकाउंट ऑडिट एंड मेंटेन करने के लिए, ओके। नेक्स्ट है कॉमन सील यूज, प्रोसीजर क्या है कॉमन सील, हालांकि कॉमन सील ऑप्शनल हो गए हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर है वो यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, ओके। वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाइंडिंग ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद हो रहा है लिक्विडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पे पूरी तरह से लिखा गया है। तो समरी ये है कि कंपनी को कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन से कंपनी का वाइंडिंग अप तक छोटे छोटे चीज को लेके कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना गया है सिंपली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। सो ये कुछ इंटरनल मैनेजमेंट है कंपनी का, ओके। और हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ओके, 7 और 10 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन माने यानी MOA एंड AO का क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें मैंने दिया है, उस बेसिक चीज के अंदर वो डिफरेंस हम डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। तो क्या क्या है, पहले हम नेचर को डिस्कशन करने वाले हैं, नेचर क्या है, ओके। तो MO के अंदर ये एक फंडामेंटल कैरेक्टर है, ओके, और AO के अंदर ये सब्सिडरी कैरेक्टर है, ओके। फंडामेंटल कैरेक्टर के अंदर क्या है, मैंने पहले से ही आपको डिस्कशन कर दिया था, डिफाइंस एम ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ द कंपनी, यहाँ पे एम एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया गया है। ये सब्सिडरी चैप्टर है, मैंने अभी अभी बोला क्लास के अंदर, सब्सिडरी चैप्टर है रूल एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, ओके। कंटेंट क्या है एमओए के अंदर, इट डिफाइंस स्कोप ऑफ कंपनी एक्टिविटीज, ओके। वहां पे क्या है, इट कंटेन वेरियस बायलॉस फॉर एजुकेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको वेरियस लॉ के अंदर एजुकेटिव करना, ओके, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम। एंड रिलेशन क्या है, अभी अभी मैंने बोला डिस्कशन के अंदर एमओए का रिलेशन है कंपनी विथ आउटसाइडर, एओए का है कंपनी विथ मेंबर्स और बिटवीन मेंबर्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा अल्टरेशन, कंपनी का जो एमओए की जो अल्टरेशन है वो डिफिकल्ट होती है, यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। एओए का जो अल्टरेशन है वो वेरी इजी टू यूज है, यानी वेरी क्लोज जो है वो इजीली अल्टर हो जाएगा, ओके। स्टेटस क्या है यहाँ पे, ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है कंपनीज आर्ट का, स्टेटस के अंदर एमओए एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है कंपनीज आर्ट के लिए, बट एओए जो है, बट एओए जो है वो है सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है एमओए की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यानी एमओए में एमओए का सुप्रीम डॉक्यूमेंट है और एओए सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है और सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है एमओए की एंड कंपनीज एक्ट की, ओके। फाइलिंग डॉक्यूमेंट, इट फाइल्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन के टाइम उसको फाइल करना मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी नीड नॉट टू फाइल आर्टिकल्स, ओके, आर्टिकल्स फाइल करना उतना मैंडेटरी नहीं है, पर टेबल नंबर ए के अंदर वो उसको फाइल कर सकता है, ओके। लीगल एफेक्ट, एमओए के अंदर जो लीगल एफेक्ट है अगर उसको बैंड कुछ करेगा एमओए तो उसको वॉइड किया जाएगा, बट एओए में कुछ वॉइड नहीं होगा यहाँ पे सिंपली। गवर्नमेंट स्कीम के लेकर क्या है, ना इट गवर्न अंडर कंपनी चार्टर 2013 और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ, ये गवर्न अंडर है,
बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये गवर्न अंडर एमओए एंड कंपनीज एक्ट, ये दोनों के लिए, ओके, ये गवर्न अंडर एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आज सिंपली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है और आर्टिकल एसोसिएशन का कुछ कंटेंट्स के बारे में हम डिस्कशन किए हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन एमओए एंड एओए, उसके बारे में भी हम डिस्कशन किए हैं। सो नेक्स्ट क्लास हम उसका जो थर्ड डॉक्यूमेंट है, वो भी एक सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो प्रोस्पेक्टस के, प्रोस्पेक्टस क्या है और प्रोस्पेक्टस का क्या काम होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। बट प्रोस्पेक्टस के अंदर, प्रोस्पेक्टस से पढ़ाने के पहले मैं एक जरूरी चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है अल्टरेशन, अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। अल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए क्या है, वो छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, हाँ आपको ये सीखना पड़ेगा। सो उसके बाद हम प्रोस्पेक्टस को स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू।